हेलो एवरीवन वन वेरी वॉम वेलकम टू स्टडी आई एस आई होप यूर आर डूइंग वेल स्वागत है आपका हमारी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन की सीरीज़ पर जहाँ पर हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को कवर कर रहे हैं एंड अभी हम लिबरलिज्म को देख रहे हैं आज आज में हमारा पूरा लिबरलिज्म का जो कंसेप्ट है जितने भी जो फ़िलोसफर्स हैं उन सबको हम देख लेंगे ऑल्सो इस आइडियोलॉजी के क्या क्या क्रिटिसिज्म हैं और क्या क्या चीज़ें एज चैलेंजेस हमारे सामने आई है इन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर उससे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट बात अन अकेडमी आपके लिए इम्पोर्टेंट ऑफर लेकर आया है कॉम्बो ऑफर लेकर आया है आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ मिलता है विद ऑप्शनल अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड टेन परसेंट मिलता है यूजिंग रेफरल कोड स्टडी आई एस जो कि हमारे चैनल का नेम है उसके साथ अब आपको फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ भी मिल रही है मतलब आपका कोई भी ऑप्शनल हो आप उस बिहाफ पर भिहास पर देख सकते हैं कि आपको कैसे टेस्ट चाहिए ठीक है सेक्शनल भी हैं एंड फुल लेंथ भी हैं तो आप अलग तरीके से देख सकते हो अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हो मेंस की तरफ अपनी तैयारी को शिफ्ट कर सकते हो ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रिलिम्स तक ही आप सीमित रहो तो आप इन सब चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं ये सब हैं सारे प्राइजेस ऑल्सो ये देखो यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट हैं फुल लेंथ टेस्ट हैं ट्वेंटी वन टेस्ट फॉर ईच ऑप्शनल कोर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे एंड ऑफ़र विल एंड ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जुलाई तो आप इससे पहले इसको कंसिडर कर सकते हैं ऑल्सो अन अकेडमी आपके साथ बहुत सारे प्रोमिसस करता रहता है बहुत सारे पॉक्स आपको प्रोवाइड करता रहता है अगर वन ईयर प्लान ले रहे हो या टू ईयर प्लान ले रहे हो ये बात याद रखना कि आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो फोर मंथ्स का एक्स्ट्रा मिल रहा है यानी जो भी जो मेन्स आएगा उस तक आपका जो सब्सक्रिप्शन होगा वो वैलिड रहेगा अवेलेबल रहेगा तो आपको फायदे ही फायदे हैं एंड ऑल्सो देखो आपको टेस्ट मिल रहे हैं इसके अंदर प्रलम्स के टेस्ट एज वेल एज मीन्स के टेस्ट फिफ्टी प्रलिम टेस्ट एंड थर्टी मीनस टेस्ट आपको इसके अंदर मिल रहा है तो आप इसको देख सकते हैं ऑल्सो अन अकेडमी कॉम्बैट हर संडे आता है ग्यारह बजे प्रिलिम्स वाली फीलिंग आती है सिक्सटी क्वेश्चन इन सिक्सटी मिनट्स वही सारे सब्जेक्ट्स पॉलिटी मॉडर्न इंडिया एंशंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री ठीक है साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स ये सब चीज़ें आती हैं तो आप इसको दीजिए इससे आपको फायदा होगा प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी तो ये सब चीज़ों को आप देख सकते हैं ऑल्सो ये सारे बैचेज हैं इनमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं चलिए कल हमने क्या देखा था कल हमने मेजरली न्यू लिबरल जो फिलोसोफर्स हैं हायक नॉजिक मिल्टन फ्राइटमन हुरे ब्रॉडबर्ट ठीक है इन सब के बारे में देखा था ऑल्सो लिबर्टेरियन व्यू के बारे में हमने देखा था कि इसमें क्या क्या बात करते हैं हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर आइडियोलॉजीज़ यहाँ पर हमने नॉन एग्रेशन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है टॉलरेशन का प्लूलिज़म का ये सब देखा था आज हम इसी चीज़ को देखेंगे थोड़ा और एक्सटेंसिव रूप में क्योंकि मल्टी कल्चरलिज़म टॉलरेशन प्लूरलिज़्म ये सारे जो कंसेप्ट होते हैं ये लिबरलिज्म के सामने एज अ चैलेंज उभर कर आए जब लिबर्टीज़ की बात करी राइट्स की बात करी जब लिबरल डेमोक्रेसीज आती हुई नज़र आई अलग अलग कंट्रीज़ में वेस्टर्न स्पेसिफिकली uh, अगर हम वर्ल्ड की बात करें यूरोप की बात करें उसके अंदर तो मेजर जो हमारा डिस्कशन होता है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर होता है तो आज हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं फिर हमने सोशल लिबरल्स के बारे में देखा था सोशल लिबरल्स भी वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट लाने की बात करते हैं बट इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म जहाँ पर आप प्राइवेट जो लोग हैं प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट हैं उनको आप आने दे रहे हो एंड स्टेट को डिफाइन कर रहे हो कि ये स्टेट के काम है एंड मेजरली स्टेट को क्या करना है वेलफेयर का ख्याल रखना है ठीक है तो ये सब चीज़ें हमने कल देखी थी फिर हमने एक क्वेश्चन देखा था कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस अडोप्टेड बाई लिबरल स्टेट टू एड्रेस डाइवर्सिटी क्योंकि डाइवर्सिटी एज अ चैलेंज उभर कर आता है तो सिविक नेशनलिज्म हमें कई जगह देखने को मिला फिर रिलीजियस न्यूट्रलिटी सेकुलरिज़म का कंसेप्ट कि आप क्या करो या तो बिल्कुल ही डिस्टिगशन कर दो या फिर क्या करो सबको इक्वली रिस्पेक्ट करो ठीक है ये चीज़ फिर उसके बाद यूनिवर्सल सिटीजनशिप का कंसेप्ट आ गया कि सब लोग एक हैं ये मानो आपको ये नहीं मानना है कि ये लोग हमारे देश के हैं ये लोग किसी और देश के हैं या फिर ये इस एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं या इस एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें वेस्टर्न वर्ल्ड में आती हुई नज़र आई इनको एक्सेप्ट किया गया जिससे जो लिबरल स्टेट का स्टैब्लिशमेंट है उसको बेटर किया जाए यहाँ तक हमने कल पढ़ा था आज हम मल्टी कल्चरलिज़म को देखने वाले हैं क्योंकि जब हम लिबरलिज़म की बात करते हैं ठीक है ओवरऑल लिबरलिज्म आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो मल्टी कल्चरलिज़म का जो टॉपिक है वो डिबेटेबल हो जाता है हमें पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है कैसे उभरा एंड ऑल्सो दो फिलोसोफर्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनके बारे में समझना तो उनकी जो भी बातें हैं उनको हम देखेंगे अब देखो सबसे पहले समझो कि मल्टी कल्चरलिज़म होता क्या है मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे कल्चरलिज़म यानी आप कल्चर को प्रमोट कर रहे हो कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हो किसी भी वे में आप इसको ले सकते हो बट अगर हम इसका कोर देखें तो इसका कोर ये है कि आप डील कर रहे हो विद द क्वेश्चन ऑफ़ माइनॉरिटीज़ क्योंकि देश विदेश में हमें पूरे वर्ल्ड में क्या देखने को मिला है कि कोई भी एक पर्टिकुलर जगह है वहाँ पे कुछ पर्टिकुलरली लोग होंगे जो कि ज़्यादा रह रहे होंगे बहुत सालों से रह रहे होंगे उनका कल्चर वगैरह एक तरीके से नॉर्मलाइज हो गया होगा बट कुछ लोग एज़ माइनॉरिटीज़ रह जाते हैं जिनको माना जाता है कि ये अलूफ हैं किसी भी वजह से उनको आलूफ किया जा सकता है हो सकता है सोशो इकनॉमिक कोई रीज़न हो हो सकता है उनका माइग्रेशन हुआ हो या हो सकता है वो एज रिफ़्यूज आ गए हो ठीक है तो बहुत सारी वजह से क्या होता है जो माइनॉरिटीज़ होती है वो सफ़र करती है तो यहीं पर मल्टी कल्चरिज़म में हम इसी चीज़ की बात करते हैं कि हमें क्या करना है माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स प्रोवाइड करने ऐसा नहीं हो कि उनके राइट्स उनको नहीं मिल रहे हैं या जिन जिन चीज़ों का उन पर अधिकार होना चाहिए ठीक है वो उनको नहीं मिल रहा है गुड इवनिंग किट्टू गुड इवनिंग वर्षा गुड इवनिंग एवरी तो यहाँ पर हम इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं अब देखो ये मल्टी कल्चरलिज़म का ये जो इशू है इससे पहले तो क्या था हम वर्ल्ड में क्या देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं रिलीजियस वॉर चल रही है ठीक है उसके बाद क्या हुआ धीरे धीरे हमें फिर कैपिटलिज्म आता हुआ नज़र आया कैपिटलिज्म से लड़ते लड़ते फिर सोशलिज्म आया फिर कम्युनिज्म फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे इसी में टाइम निकल गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर ठीक है ऐसे हमें पूरा एरा देखने को मिला वेन वी टॉक अबाउट नाइनटीन नाइन्टीज़ तो इसमें क्या हुआ हमें न्यू लिबरल व्यू आता हुआ नज़र आया हमने इसको पहले भी डिस्कशन में लिया है जहाँ पर मार्केटेट थैचर एंड रिगिन जैसे जो लोग थे उन्होंने क्या कहा कि मार्केट को खोलो इंटरनेशनली अपने आप को ओपन करो ओपन नहीं करोगे तो क्या होगा ट्रेड फ्लरिश नहीं कर पाएगा तो हमें ये आइडियोलॉजी आती हुई नज़र आई न्यो लिबरल एरा में यानि नाइनटीन नाइन्टीज़ के अराउंड अब इस टाइम पर क्या ज़रूरत थी ये ज़रूरत थी कि जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं वो मल्टी कल्चरिज़म को एक्सेप्ट करें ठीक है ऐसा नहीं कि इसको ये माने कि ये कोई अलग चीज़ है कोई अलूफ चीज़ है अब इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि देखो मतलब अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप ग्लोबलाइज वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो ऐसा नहीं हो सकता कि आप डाइवर्सिटीज़ को एक्सेप्ट ना करो एंड आप यूनिफॉर्मिटीज़ में ही रह जाओ ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उभर कर आया इसलिए जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज़ हैं उनके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया कि कैसे इतने सारे जो आपको डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है इतने कल्चरली लोग डिफरेंट हैं इनको कैसे एक्सेप्ट करोगे ठीक है तो इसके बाद हमें ये जो मेजर ये जो डिबेट है आती हुई नज़र आती है अब आज हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं एक फिलोसोफर हैं विल किम लिका ठीक है इनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको हम देखेंगे ये प्रमोट करते हैं मल्टी कल्चरलिज़म को बट थोड़े डिफरेंट फॉर्म में तो इस चीज़ को हम देखने वाले हैं अब देखो सबसे पहले क्या है ये एक बुक लेकर आए नाइनटीन में जिसका नाम था मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप ठीक है नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मल्टी कल्चरल एक्सपेक्ट में ये सिटीज़नशिप की बात करते हैं लोगों के अधिकार के बारे में बात करते हैं इन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि हमें ज़रूरत है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप की कि हम एक 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 ना एक वो कर दें ठीक कि सिटीज़नशिप ये सब लोगों को मिलना चाहिए ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर आप रेस को दे रहे हो पर्टिकुलर ग्रुप को दे रहे हो या एथनिक किसी जो संगठन है आप उसको दे रहे हो ऐसा नहीं आप मल्टी कल्चरली अपने आप को ओपन कर रहे हो अब इसके इन्होंने बहुत सारे रीजंस दिए जो कि सारे बहुत वैलिड रीजंस हैं आपको भी पता होने चाहिए रीजंस अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हमें मल्टी कल्चरलिज़म क्यों इतना ज़्यादा फ्लरिश होते हुए नज़र आता है तो आपको इसके रीज़न्स पता होने चाहिए तो यहाँ पर आप इन सब चीज़ों को कोट कर सकते हो सबसे पहले रीज़न क्या है इमिग्रेशन एक दूसरे से एक दूसरे की कंट्री में क्या कर रहे हैं लोग जा रहे हैं आ रहे हैं ठीक है माइग्रेशन देखने को मिल रहा है एंड कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या होता है डेमोग्राफिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं मेजरली इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप मल्टी को सपोर्ट करो जो लोग आपके देश में आ रहे हैं अगर आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे या उनका अधिकार नहीं दोगे तो आप उनको एज एन एसेट यूज़ नहीं कर पाओगे तो आप इस वे में भी इसको ले सकते हो और ये जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है ये तो वैसे भी इंटरेस्ट के बेसिस पर चलता है तो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट द मल्टी कल्चरल एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमंस तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है उसके बाद इंक्रीज़ कॉन्शियसनेस अबाउट राइट्स इन माइनॉरिटीज़ माइनॉरिटीज़ के अंदर क्या हुआ कॉन्शियसनेस डेवलप हुई अवेयरनेस उनको आई उन्हें समझ आया कि उनके कुछ राइट्स हैं जो कि उनको मिलने चाहिए कब तक वो एज़ माइनॉरिटी सफ़र करते रहेंगे एंड जो मेजॉरिटी है वो पेड़ा खाता रहेगा तो इस चीज़ के बारे में एक हमें देखने को मिलता है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मल्टी कल्चरल सिटीज़नशिप को ये कहते हैं कि लाना चाहिए कि अब अब बहुत टाइम हो गया अब हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह सकते उस लेवल पर उसके बाद निगलेक्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ हमें हर कंट्री में देखने को मिलता है हर कंट्री में हर सोसाइटी में कहीं ना कहीं क्या होगा कि कुछ माइनॉरिटी के लोग होंगे जिनको क्या करा जाएगा साइड लाइन करा जाएगा जैसे हम पहले अपने एशंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा क्या होता था कि जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे वो क्या कहते थे वो तो सिटीडल एन सब के पास रह थे, हर अपन सब रहते थे हरप्पन सिविलाइजेशन में आपने देखा होगा एंड और सब वो कहाँ रहते थे पेरीफेरल साइड ठीक है तो क्या निगलेक्ट देखने को मिलता है माइनॉरिटीज़ का तो यहाँ पर ये चीज़ है कि इसकी वजह से क्या हुआ पुअर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस देखने को मिला एंड उसके बाद अवेयरनेस क्रिएट हुआ उसके बाद एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चलता चला आ रहा है कितने सालों से चल रहा है दिस वर्सेस दिस दिस वर्सेस दैट ठीक है तो ये इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि हमें मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट है ये नहीं चलेगा कि हम एक्सेप्ट नहीं करें रियलिटी को क्योंकि रियलिटी यही है कि कल्चरली एक दूसरे के साथ लोग मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग एक दूसरे uh, की चीज़ों को शेयर करते हैं तो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट दैम तो यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है अब स्टेट शुड गिव सम राइट्स टू दी माइनॉरिटीज़ ये इन्होंने कुछ राइट्स भी बताए हैं क्या क्या राइट्स हैं सबसे पहला राइट right है स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स कि माइनॉरिटीज़ का क्या हो रहा है उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है तो अगर उनका अगर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है तो क्या करो उनको स्पेशली ये राइट right दे दो जिससे क्या हो उनकी जो थिंकिंग है उनकी थॉट उनकी नीड्स वो सब सामने आ सके माइनॉरिटीज़ को आप ऐसे थोड़ी एक्सेप्ट करोगे कि ये लोग अलग हैं ये सोसाइटी का पार्ट नहीं है दे आर अ एसेंशियल पार्ट ऑफ सोसाइटी तो यू हैव टू एक्सेप्ट देम एंड ऑल्सो एक्सेप्ट देर नीड टू हैव राइट्स तो यहाँ पर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स की बात होती है उसके बाद सेल्फ गवर्नेंस राइट अब देखो सेल्फ गवर्नेंस राइट का क्या मतलब है कभी कभार क्या होता है कि माइनॉरिटीज़ जो होते हैं उनके ऊपर कोई गवर्निंग पावर नहीं नहीं होती कोई ये देखने वाला नहीं होता कि उनको चीज़ें मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है रिसोर्सेज उन तक पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है तो क्या करो उनके उनको एक सेल्फ़ गवर्नेंस का राइट right दे दो ये ऐसा ही है देखो एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो जैसे तमिल्स हैं श्रीलंका के अंदर वो क्या है वो माइनॉरिटीज़ हैं वो क्या डिमांड करते हैं कि यार हमारे पास राइट्स नहीं है पहले तो उनके पास सिक्योरिटी ऑफ लाइफ ही नहीं है ठीक है हमें इतने सारे इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं श्रीलंका के अंदर तो यहाँ पर सेल्फ गवर्नेंस राइट की बात होती है उसके बाद पॉली एथनिक राइट पॉली एथनिक राइट का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उनकी एथनिसिटी को उनके कल्चर को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो ये नहीं कि आप उसको कोई अलूफ सी चीज़ मान रहे हो या कोई एलियन चीज़ मान रहे हो तो यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मतलब है पॉली एथनिक राइट्स ठीक है एंड नॉ ओनली फॉर माइनॉरिटीज़ नॉट फॉर इमिग्रेंट एंड रिफ्यूजीज़ ये जो विल थे ठीक है जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं विल किम लिका इन्होंने क्या बताया है कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ को जो कि आपके देश के हैं उनको आप ये सब राइट प्रोवाइड करो उनको नहीं जो कि इमिग्रेंट्स हैं बाहर से आए हैं वो लोग जो रिफ्यूजीज हैं अब इसके रीज़न देते हैं देखो इनको क्यों नहीं दो इमिग्रेंट्स की जब वह वो बात करते हैं वो कहते हैं कि देखो माइनॉरिटीज़ तो क्या है अपने देश के लोग हैं एंड उनको कोई चॉइस नहीं थी उनके पास कि वो इधर उधर जा सकें या किसी और कंट्री या किसी और टेरिटरी में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें एंड उसके बाद उन्होंने डिसएडवांटेज भी सहा तो मतलब हमारे देश के ही हैं तो आप उनको सपोर्ट करो अब वो हैं ही यहाँ पर ठीक है उनके पास अब कोई चॉइस नहीं है तो हम उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो इट विल बी बेटर ना कि आप क्या कर रहे हो इमिग्रेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हो इमिग्रेंट्स क्या है वो बाय चॉइस आपके देश में आए हैं तो बाय चॉइस आए हैं तो वो और कहीं जगह भी जा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ का थोड़ा सा बाइफर्गेशन दे दिया कि ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसीलिए इनको नहीं मिलना चाहिए अब रिफ्यूजीज़ की बात हुई रिफ्यूजीज़ को क्यों नहीं दे भाई? तो रिफ्यूजीज़ को ये क्या कहते हैं कि रिफ्यूजीज़ को अगर हम सिमिलर राइट्स दे देंगे दे तो हमारे लिए एक बर्डन क्रिएट हो जाएगा अभी एक देश से रिफ्यूजीज आ रहे हैं ठीक है ठीके? अब जैसे रोहनग्या की बात हो गई रोहंग्या का जब इशू आता है तो रिफ्यूजी इशू उभर कर आता है तो किसी कंट्री में अगर ये जा रहे हैं तो बहुत सारी कंट्रीज़ ये कंसेप्शन में बिलीव रखती हैं कि इट विल बी अ बर्डन फॉर अस ठीक है तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि क्यों आप अलग से एक अपने लिए बर्डन ले रहे हो जब आपकी खुद की जो पॉपुलेशन है उसमें आपको माइनॉरिटी देखने को मिल रही है वो सफ़र कर रहे हैं तो पहले आप उनका पेट भरो उनको राइट्स प्रोवाइड करो ठीक है ये विल केमलिका की थाट्स हैं मल्टी कल्चरलिज्म इज़ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ लिबरलिज्म ये ये चीज़ कहते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म एक लॉजिकल एक्सटेंशन है लिबरलिज्म का कि लिबरलिज्म आएगा इसके बाद एज एन एक्सटेंडेड फॉर्म एज एन एक्सटेंडेड आइडियोलॉजी हमें मल्टीकल्चरलिज्म आता हुआ नज़र आएगा नहीं तो वर्ल्ड सक्सटेन नहीं कर पाएगा एंड ही सेड मल्टीकल्चरलिज्म शुड बी एक्सेप्टेड अलॉन्ग विद टॉलरेशन कि आप टॉलरेंस में बिलीव रख रहे हो ठीक है टॉलरेंस का क्या मतलब है कि आप कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा किसी भी टाइप की वॉलेंस इन सब को इंसाइट नहीं कर रहे हो या फिर अगर ये चीज़ हो रही है तो आप रिटेलिएटरी वे में कोशिश नहीं कर रहे हो कि वो एक्सटेंडेड फॉर्म में चलती रहे तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है अब देखो वाई क्यों ये सब कह रहे हैं क्योंकि कल्चर इज़ असेंशियल पार्ट ऑफ पर्सनस आइडेंटिटी ये इनका मानना है कि पर्सन की खुद की आइडेंटिटी से रिलेटेड है उनका कल्चर हमें हमारे देश में भी देखने को मिलता है लोग अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी है आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर लोग अपनी बायो पे लिखते हैं वी आर दिस वी आर दैट ठीक हैश टैग करके वो भी वो क्या है क्योंकि दे कंसिडर टू बी दे देयर आइडेंटिटी आपने देखा होगा हैश टैग ब्राह्मण हैश टैग राजपूत आपने कई बाइक्स पे भी देखा होगा लोग लिखवा लेते हैं ये सब क्या है दे ट्राई टू शोकेस देयर आइडेंटिटी क्योंकि उनको उनका culture, उनका कल्चर उनका रिलीजन उनकी आइडेंटिटी लगती है ठीक है तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है अब हमने किम्लिका के थॉट्स देख लिए अब हम भीगू पारेक के थॉट देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पोलिटिकल थोरिट्स अगर आप इनके बारे में गूगल पर पढ़ोगे पढ़ना ज़रूर क्योंकि ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एंड इनकी जो बातें हैं वो कई जगह आपको कोट करेंगे तो आप तो आपको बेटर रहेगा अब ये जो बीको पारेक हैं इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है एंड ऑल्सो बहुत अच्छी प्रसिजियस यूनिवर्सिटीज़ से इन्होंने तालीम हासिल की है तो इसीलिए लिए इम्पॉर्टेंट है ऑल्सो ही इज़ अ वेरी वेरी फेमस पॉलिटिकल थोरिस्ट अब ये एक बुक लेकर आए थे री थिंकिंग मल्टी कल्चरलिज़म ठीक है इसके अंदर इन्होंने क्या किया विल किम्लिका की जो थाट्स थे उनका कहीं ना कहीं ये थोड़ा अपोजिट लेकर आए एंड इन्होंने अपना एस्पेक्ट सामने रखा मल्टी कल्चरलिज्म का मतलब ये भी उसको एक्सेप्ट करें बट इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्म एंड ऑल्सो इन अ मच वाइडर फॉर्म ठीक है तो इस चीज़ को हम देखेंगे अब ही चैलेंजड विल्स व्यू एंड गिव हिज ओन कंसेप्ट ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म इसको पोस्ट कलोनियन परस्पेक्टिव ऑन मल्टी कल्चरलिज्म भी हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है नॉट ओनली रिकोगनाइजिंग राइट ऑफ इंडिविजुअल आप सिर्फ ये एक्सेप्ट मत करो कि ये क्या है आप लोगों के राइट्स Uh, को नहीं मानना चाह रहे आप इसलिए आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो बट स्पेशल प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर कल्चर एंड रिलीजन क्योंकि ये क्या है पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी है तो यहाँ पर क्या है यहाँ पे तो बिल्कुल ही थोड़ी सी बात को एक्सटेंड किया गया है कि इट्स एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ अ पर्सनस लाइफ तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए अब देखो डिफरेंस कहाँ पर आता है डिफरेंस आता है कि ये एटोमिस्टिक मैन कंसेप्ट में बिलीव नहीं रखते एटोमिस्टिक मैन का क्या कंसेप्ट है जैसे कि एक एटम होता है अकेला होता है एज एन आइडेंटिटी ठीक है तो आप इंसान को एज अ एज अ सिंगल आइडेंटिटी नहीं लो या एज अ स्पेशल आइडेंटिटी मत लो कि इंसान एटोमिस्टिक होता है तो उसको ये भी मिले वो भी मिले ठीक है इन सब चीज़ों में ये बिलीव नहीं रखते उसके बाद कल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सनज आइडेंटिटी अब इन्होंने इसका एक एग्जाम्पल दिया जैसे इकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इकोलॉजी के लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है क्या चीज़ की ज़रूरत है बायोडाइवर्सिटी की हमें इन्वायरमेंट में ही अपनी इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है प्लांट्स में एनिमल्स में इतनी सारी स्पीशीज़ हैं दे को इंटरेक्ट विद ईच अदर देन हमें इनके डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से सस्टेन कर पाते हैं म्यूचुअलिज्म ही आप एज एन एग्जाम्पल समझ सकते हो तो इकोलॉजी के सस्टेनेंस के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव बायोडाइवर्सिटी सिमिलरली इन्होंने कहा कि सोसाइटी को अगर जीना है सोसाइटी को अगर इस वे में जीना है कि इंसान को उसके अधिकार मिल पा रहे हैं लिबर्टीज़ मिल पा रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम अलग नहीं रह सकते कि इंसान का कल्चर रेस्पेक्ट अलग है इंसान इंसान के राइट्स अलग हैं इनको हमें अलग रखना है नहीं ये सेम ही है क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी ठीक है तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आता हुआ नज़र आता है अब ही सेट कि लिबरल्स जो हैं क्या देखने को मिल रहा है हमें देश विदेश में कि जो लिबरल्स हैं दे आर सफरिंग फ्राम एथनोसेंट्रिसिजम एथनोसेंट्रिसिज्म का क्या मतलब है देखो एथनो यानी एथनिक सेंट्रिसिज्म यानी आप सेंटर पर रख रहे हो ठीक है सिंपल सिंपल भाषा में समझो इम्पॉर्टेंट है ये आप कई जगह आप इस पर क्वेश्चन भी देख सकते हो एथनोसेंट्रिसिज्म का क्या मतलब है कि आप अपनी एथनिसिटी को, को अपने कल्चर right को अपने राइट को सुपीरियर मान रहे हो दूसरे को इनफीरियर मान रहे हो ठीक है तो इसको क्या कहते हैं एथनोसेंट्रिसिज्म ज़्यादातर वेस्ट को इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्टर्न कंट्रीज़ दे आर मोस्टली लिबरल इन अप्रोच ठीक है लिबरल आइडियोलॉजी में वो बिलीव रखते हैं अब यहाँ पर क्या होता है ये क्या कह रहे हैं भीखू पारे क्या कह रहे हैं कि लिबरल्स किस से सफ़र कर रहे हैं एथनोसेंट्रिसिज्म से जहाँ पर वो अपने आप को ऊपर मानते हैं उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है एनी इस के वजह से हमें बारबेरियन स्टेट देखने को मिल रही है जहाँ पे लोग खुश नहीं हैं लोगों के पास राइट्स नहीं हैं ठीक है आप हद से ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो इसीलिए ये कहते हैं कि ज़रूरत है कि सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करो ना कि ये मानो कि हमारा जो कल्चर है हमारा ट्रेडिशन है वही सबसे ऊपर है ये मानने लग जाओगे तो क्या देखने को मिलेगा सर्वनाश देखने को मिलेगा ठीक है एंड देखो एक और चीज़ ये बात मानते हैं ये सिंपली बात कहते हैं जो कि सबसे बड़ा यूनिवर्सल सच है कि नो कल्चर इज़ प्योर कोई भी कल्चर प्योर नहीं है हमारे देश में इतनी ज़्यादा हमें एथनिक कल्चरल रिलीजियस लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं क्यों क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कल्चर से बेस्ट कोई नहीं है दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कल्चर ठीक है तो इस चीज़ में बिलीव नहीं रखना है कि नो कल्चर इज़ प्योर एवरी कल्चर इज़ हाइब्रिड ठीक है हमें हाइब्रिड देखने को मिलता है अब देखो इसका आप एग्जाम्पल समझो आपको क्या देखने को मिलेगा देखो आप हिंदू ट्रेडिशन की मैरिजिस को देखो ठीक है जिनका सोशलिज्म uh, होता है ऑप्शनल वो इसको एज अ डिफरेंट टॉपिक पढ़ते हैं मैरिज इसको ठीक है तो मैरिज में क्या होता है आप हिंदू मैरिजेज में देख लो आज का क्या हो रहा है द ब्राइड्स आर ऑल्सो वियरिंग चूड़ा ठीक है बट चूड़ा क्या है एक तरीके का सिख uh, हमें कंसेप्ट आता हुआ नज़र आता है ठीक uh, uh, है एंड काफ़ी सारी जो ब्राइड्स होती हैं दे ऑल्सो वी आर पासा पासा क्या है पासा एक इस्लामिक ट्रेडिशन है ठीक है तो आपको क्या देखने को मिल रहा है एक हाइब्रिड देखने को मिल रहा है कि कहीं से कुछ एक्सेप्ट कर लिया कहीं से कुछ एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पर ये इसी चीज़ की बात करते हैं कि नो कल्चर इज़ प्योर एवरी कल्चर इज़ हाइब्रिड ठीक है आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे का इन्फ्लुंस उसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा उसके बाद देखो ही सपोर्ट्स राइट्स फॉर इमिग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज वहाँ पे क्या थे देखो किमलिका ने क्या कह दिया उन्होंने कह दिया कि ये सारे जो राइट्स हैं जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो अपनी देश की माइनॉरिटीज को प्रोवाइड करो बट इमीग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज़ की अगर बात आए तो उनको कोई चीज़ मत प्रोवाइड करो क्योंकि इमिग्रेंट्स के लिए वो क्या कहते हैं कि इनका तो ख़ुद का चॉइस था ये कहीं और भी जा सकते थे तो इनका तो रहने दो और रिफ्यूजीज का क्या है कि ये तो एक तरीके से बर्डन है ये क्या कहते हैं कि राइट्स देने हैं तो सबको दो कल्चर मैटर टू ऑल ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लोग हैं सिर्फ इन्हीं के पास अधिकार है सबको सेम चीज़ प्रोवाइड करो गुड इवनिंग देखा गुड इवनिंग अक्षय तो यहाँ पर इनका ये कंसेप्ट आता है नाउ इन द नेम ऑफ रैशनलिज्म ये एक और चीज़ कहते हैं कि रैशनलिज्म के नाम पर सच्चाई के नाम पर अच्छी आइडियोलॉजी के नाम पर क्या देखने को मिलता है देश विदेश में लिबरल कंट्रीज़ में, में कि कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा जिनकी आइडियोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा चल रही होंगी फल फूल रही होंगी ठीक है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है इन द नेम ऑफ रैशनलिज्म मेजोरिटेरियनिज़म को देखने को मिलता है अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल क्या है संडे संडे को हम लोग हमें पता भी नहीं है हम बचपन से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि छुट्टी होगी संडे को होगी ठीक है संडे को ये काम करेंगे संडे को घूमने जाएंगे क्यों क्योंकि संडे को छुट्टी होती है हॉलीडे होती है मिलती मिलती है क्यों क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस है तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ ने माना इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो हम भी इसको ले लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हेजू ऑफ वेस्ट ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी है जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया अब देखो कोई हार्म नहीं था इनका क्या मानना है इनका ये मानना है कि देखो सबके कल्चरल एस्पेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं मल्टी कल्चरलिज़म में इसलिए मैं बिलीव रखता हूँ क्योंकि सबके अलग हो सकते हैं एंड सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए अब अगर हमें आगे जाके अपने देश में लगता है कि संडे से हमारा काम नहीं बन रहा है हमें मंडे को छुट्टी चाहिए तो ले लो ये इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि देर इज़ नो हार्म इन चेंजिंग दीज अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कि आपको इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है अपने ये जो आपने कल्चर बना लिए हैं या रैशनलिज्म के नाम पर हम जिन प्रैक्टिस को अपना रहे हो उनको चेंज कर लो ठीक है तो इस चीज़ के बारे में बी पारे कहते हैं ही सेट दैट देर इज़ नो हार्म इन ग्रांटिंग एक्सेप्शन कि कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं कोई कुछ दिन बना रहे हैं किसी चीज़ को कोई कुछ दिन बना रहे हैं किसी चीज़ को एंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए जब तक ही जब तक वो किसी को हार्म नहीं कर रहा तो यहाँ पर क्या आ रहा है हार्म प्रिंसिपल आ रहा है अगर आप कोई एक्सेप्शन लेकर आ रहे हो कि सब लोग इस रास्ते पर जा रहे हैं आप दूसरे रास्ते पर जा रहे हो और अगर आप दूसरे रास्ते पर जाओगे तो वो सारे लोग मर जाएंगे एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल ले लो जैसे गेम्स वगैरह में होता है ठीक है तो आप क्या करोगे इस टाइम पर ये कहीं ना कहीं हार्म प्रिंसिपल को दिखा रहा है इसलिए यहाँ पर एक्सेप्शन का केस नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू बीको पर एक समझ रहे हो आप तो हार्म प्रिंसिपल के बेसिस पर चलना है एंड ही डू नॉट एक्सेप्ट दैट मल्टी कल्चरलिज्म इज लॉजिकल एक्सटेंशन टू लिबरलिज्म ठीक है इस चीज़ को नहीं मानते अब देखो इस चीज़ को क्यों नहीं मानते ये कहते हैं कि मल्टी कल्चरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम ये नहीं मान सकते कि ये सिर्फ लिबरलिज्म से कनेक्टेड है ये तो किसी भी कंट्री में देखने को मिल सकता है ग्लोबलाइज वर्ल्ड है इतने सारी हमें अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजीज़ देखने को मिलती हैं तो क्यों इसको सिर्फ लिबरलिज्म तक रखो फॉर हिम इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन अ सिंगल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजेशन ठीक है एंड हैज़ टू बी अ रिजल्ट ऑफ़ फ्री डायलॉग अमंग द सिविलाइजेशन लोगों के बीच में फ्री डायलॉग हो रहा है उसी के बाद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें इट विल भी बेटर ये इनका मानना है तो कहीं ना कहीं इनकी थिंकिंग में आप कॉस्मोपोलिटन बोर्ड ऑर्डर भी देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड को आप एज अ सिंगल आइडेंटिटी समझ रहे हो ऐसा नहीं कि ये देश अलग है ये देश अलग है ये वेस्ट है ये ईस्ट है ये ये जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कंसेप्ट हमें पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलता है ना आप एडिटोरियल पढ़ते होंगे जब कोई भी वर्ल्ड व्यू से रिलेटेड कोई एडिटोरियल आता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ईस्टर्न कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज़ ये कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड ऑर्डर की जो सोल है उसको नहीं मानता है ठीक है कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड ऑर्डर का क्या मतलब है आप पूरे वर्ल्ड को एज अ सिंगल आइडेंटिटी मान रहे हो ठीक है आप ओवरऑल वेलफेयर की बात कर रहे हो ना कि आप सेक्शनल बेसिस पर चल रहे हो तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात करते हैं अब देखो मल्टी में हमने देखा कि भीको पारे क्या कहते हैं किमलिका क्या कहते हैं अब हम कुछ क्रिटिक्स देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या लोग कहते हैं कि ये चीज़ गलत है इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो या फिर क्या करो एक यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच लेकर आ जाओ कि सब लोगों को इसी चीज़ में मानना है इससे अलग कोई भी इंसान अपनी थिंकिंग थाट्स को सामने नहीं रख सकता ठीक है अब देखो सबसे पहले इसमें कौन आते हैं इसमें आते हैं फेमिनिस्ट लोग फेमिनिस्ट लोग जिनको क्या लगता है कि वुमेन के साथ शोषण हुआ है हिस्ट्री गवाह है कि वुमेन को उनके राइट्स नहीं मिले हैं एंड उनको हमेशा उनके राइट्स से वंचित रखा जाता है इसीलिए ये क्या कहते हैं कि इनका क्या मानना है देखो इनका ये मानना है कि जो कल्चर है कल्चर एज अ वर्ल्ड इसको कहीं ना कहीं ये नेगेटिव वे में लेते हैं इनका ये मानना है कि कोई भी कल्चर उठा लो वेस्टर्न कल्चर में देख लो कोई ईस्टर्न कल्चर में देख लो एशियन में देख लो नॉर्थ अमेरिकन कल्चर देख लो कहीं का भी देख लो हर कल्चर में आपको दिखाई देगा कि इन्फीरियर राइट्स प्रोवाइड करे जाते हैं वुमेन को या फिर जो राइट्स उनको मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिलते सिर्फ मेन तक वो रिस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं इसलिए क्या कहते हैं ये कहते हैं कि यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच ऑफ ह्यूमन राइट्स को लेकर आओ जो कि जेंडर इक्वालिटी को यूनिवर्सली एक्सेप्ट करें देखो यूनिवर्सली एक्सेप्ट तो हम कर चुके हैं बहुत सारी चीज़ों में ठीक है हम जेंडर इक्वालिटी के ऊपर हमें इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है डिबेट्स चलती रहती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड एंड ऑल ऑफ दैट हमें हर चीज़ देखने को मिलती है बट यहाँ पर ये क्या बात करें कि आप एक यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच लेकर आओ कि सब लोग एक ही अप्रोच अप्रोच एक ही वे में चल रहे हैं अभी देखो इसका एग्जाम्पल क्या है सूजन मोलर ओकिन ठीक है ये इंपॉर्टेंट नेम है इसको आप याद कर सकते हैं इन्होंने इसके बारे में बताया कि यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच लेकर आओ ह्यूमन राइट्स की जो कि एक्सेप्ट करें कि जेंडर इक्वालिटी आनी चाहिए जेंडर इनईक्वालिटी बहुत सालों से हमारे देश में विदेश में हर जगह वर्ल्ड में आ रही है ठीक है अब देखो सेकेंड कौन है सेकेंड आते हैं लिबरल्स ठीक है liberals, लिबरल्स ही खुद मल्टी कल्चरल जो अप्रोच है उसको कभी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं अब देखो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अमर्त्य सेन ठीक है अमर्त्य सेन क्या कहते हैं कि ये क्या लेकर आएगा ये गैटोआइजेशन लेकर आएगा गैटोआइजेशन का मतलब है कि आपने अपनी थिंकिंग को अपनी सोच को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि बस इन्हीं चीज़ों में बिलीव रखना है ये मानते हैं कि इट इज़ नॉट गुड फॉर द नेशनल यूनिटी इन द लॉन्ग टर्म एक नेशन की जो यूनिटी है अगर हम मल्टी कल्चरलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएंगे कि, कि किसी देश से कोई लोग आ रहे हैं आ जाओ किसी और ग्रुप के आ रहे हैं आ जाओ रिफ़्यूजी क्राइसिस चल रहे हैं कोई बात नहीं हम आपको दे देंगे ठीक है आपकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है बट नेशन वाइज आप उतने ही ज़्यादा कमज़ोर होते चले जाओगे क्योंकि लोग आपके देश में आ रहे हैं दैट तो टू अलग अलग कल्चरल एस्पेक्ट से आपको उनको नॉर्मलाइज़ भी करना है उनको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने है ये भी देखना है वो बेहतर जीवन जी पाए उनके ऊपर कोई शोषण नहीं हो रहा इतना सारा बर्डन आ जाएगा ठीक है इसके बारे में अब सेन कहते हैं कि घेटुवाइजेशन देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं एक एक थिंकिंग को आपने ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो ही वाज अ क्रिटिक ऑफ मल्टी कल्चरलिज़म उसके बाद देखो ये हैं चंदन कुकुथास इन्होंने क्या कहा कि अगर स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन द नेम ऑफ रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ़ माइनॉरिटीज़ ठीक है ज़्यादातर क्या होता है बहुत सारी जगह ये होता है मल्टी कल्चरलिज्म के नाम पर ये बोल दिया जाता है कि स्टेट क्या करेगा रिस्पेक्ट करेगा राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ को इसलिए किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करेगा तो ये क्या कहते हैं कि स्टेट अगर इंटरफेयर नहीं करेगा तो इन द नेम ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ हमें एक्सप्लोटेशन देखने को मिलेगा शोषण देखने को मिलेगा स्टेट के इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है देखो सिंपल भाषा ये ये कहना चाह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होगा एक्शंस आपको अच्छे लेने पड़ेंगे जब तक इन रियलिटी कोई चीज़ नहीं चलेगी इन पेपर्स तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं हमारे देश की सरकार को ही देख लो इन पेपर्स बहुत सारे वादे चलते हैं बट इन रियलिटी कितने आ पाते हैं ये मेजर बात है तो आप देखो इसका एग्जाम्पल होमोसेक्शुअल्स को देखो आप उनके बारे में कितनी बात करते हैं हम उनकी राइट्स के बारे में बात करते हैं ठीक है उनको छोटी छोटी चीज़ों भी अगर हम प्रोवाइड कर देना हमने छोटी छोटी चीज़ भी अगर कोई प्रोवाइड हो जाती है उनको या उनकी कम्युनिटी से कोई भी इंसान अगर अच्छे दर्जे पर पहुंच जाता है या बढ़िया एक ऑफिस को हासिल कर देता है तो क्या होता है उनकी आप खुशी देखा करो क्योंकि उनको राइट्स नहीं मिल पाए अपने लाइफ में जितने वो डिज़र्विंग हैं क्योंकि एक कंसेप्शन बना लिया है ये जेंडर है इसको ऐसे ही चलना है इससे अलग कुछ नहीं हो सकता ठीक है तो यहाँ पर ये इस चीज़ के बारे में बात करते हैं ये सारे जो क्रिटिक हैं ये मल्टी कल्चरलिज्म के हमें क्रिटिक देखने को मिलते हैं अब देखो डिड लिबरलिज्म बॉन्ड द हिस्टोरिक बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज़ जब हमने लिबरलिज्म को स्टार्ट किया था हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हिस्टोरिक बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज़ में सबसे ज़्यादा कोई अगर सबसे आगे तक पहुँच पाया है जो कि जीत पाया है वो एक ही है वो है लिबरलिज्म क्यों लिबरलिज्म क्यों है क्योंकि देखो इतनी सारी आइडियोलॉजीज़ आई गई ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि अभी भी हमें वेस्टर्न कंट्रीज में वेस्टर्न यूरोप साइड अगर हम देखें तो हमें यही सब देखने को मिलता है ठीक है तो इसके बारे में बात करते हैं अब देखो क्या हुआ हमने क्या देखा अगर हम पूरा सिनेरियो को ऑब्जर्व करें कैपिटलिज्म आया कैपिटलिज्म से परेशान होकर सोशलिज्म आया सोशलिज्म भी धीरे धीरे आगे बढ़ा तो कम्युनिज्म आता हुआ नज़र आया कालमार्क जैसे बहुत सारे फलोसफर्स अपनी थिंकिंग को आगे रखते हुए हमें देखने को मिले इसी टाइम तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये सब जाता गया ठीक है उसके बाद कोल्ड वॉर की थिंकिंग आती हुई नज़र आ गई जहाँ पे आइडियोलॉजिकल वॉर देखने को मिली हमें कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिज्म में ठीक है या फिर आप कह सकते हो यूएसए वर्सेस यूएसएसआर के अंदर ठीक है ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली अब अगर हम उनका देखें ठीक है फ्रांसिस फोकियामा का वो कहते हैं एंड ऑफ कोल्ड वॉर इज़ इक्वल टू एंड ऑफ हिस्ट्री ठीक है क्यों क्योंकि एंड ऑफ कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कहीं ना कहीं कम्युनिज्म हमें क्रैश होता हुआ नज़र आया एंड ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि एक बेटर वे ऑफ लाइफ क्या है वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी को लेकर आना यानी लिबरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो लोगों को राइट्स प्रोवाइड करना चाह रहे हो लोगों को लिबर्टीज़ प्रोवाइड करना चाह रहे हो ठीक है ना कि आप उनको रिस्ट्रिक्टेड रख रहे हो या कम्युनिज्म जैसी थिंकिंग को अगर आप देखो ठीक है ये नहीं कि आप डिक्टेटरशिप लाने की बात कर रहे हो ये सब कुछ नहीं यहाँ पे वेस्टर्न थिंकिंग आ गई डेमोक्रेसी आ गई लोगों के पास अधिकार आ गए ठीक है तो इसीलिए कहते हैं कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर इज इक्वल टू एंड ऑफ हिस्ट्री क्यों देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको हीगल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा काल मार्क्स जब हमने कवर किया था पार्ट नंबर वन में हमने हीगल को कवर किया था हीगल क्या कहते हैं हीगल बोलते हैं कि हिस्ट्री क्या है हिस्ट्री इज़ नथिंग बट मूवमेंट ऑफ़ आइडियाज़ एक आइडिया चल रहा है उसके साथ दूसरा आइडिया क्लैश किया ठीक है दोनों आइडियाज़ में लड़ाई हो गई कोई बात नहीं चलो दोनों आइडियाज़ मूव कर रहे हैं चल रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं दिस इज़ वट हीगल वल सेट ऐसी तो हिस्ट्री चलती है अब ये कहते हैं कि जब ये सब होता है ठीक है मूवमेंट ऑफ आइडियाज होता है तो लास्ट में एक अल्टीमेट आइडिया रह जाता है जो कि सबसे बेस्ट होता है तो क्या है एक तरीके का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है जो सबसे फेस्ट होगा फिटेस्ट होगा जो सबसे ज़्यादा अपने आप को बढ़ा पाएगा लोगों के बीच में लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाएंगे उसके तरफ ठीक है वो लास्ट में रह जाएगा एंड एंड ऑफ हिस्ट्री मींस एंड ऑफ डायलेक्ट ठीक है एंड ऑफ डायलेक्ट का क्या मतलब है डायलेक्ट का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन या लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट ठीक है बिटवीन द आइडियाज़ वो हमें एंड होती हुई नज़र आएगी ये हीगर का मानना था यही कहीं ना कहीं फ़्रांसिस फूक ने भी कहा कि क्या हुआ कोल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ हमें एंड ऑफ हिस्ट्री देखने को मिला क्योंकि एक अल्टीमेट एक बिगर आइडियोलॉजी सामने आ गई दैट वॉज़ लिबरलिज्म या वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी का कंसेप्ट हमें और बहुत सारी देशों में देखने को मिला अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझो कि अगर एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई तो इवेंट्स वगैरह नहीं होंगे नहीं इवेंट्स वही चलते रहेंगे वही सब चीज़ें चलती रहेंगी ठीक है अब देखो यूएसए की तरफ इनका थोड़ा इंक्नेशन था बट ही वॉज हैप्पी विद द बुश एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है अब बुश एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों हैप्पी नहीं थे क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ जो जॉर्ज बुश थे उन्होंने क्या किया वॉर लेकर आए इन अफगानिस्तान ईरान ठीक है रिजल्टेड इन द डिक्राइन ऑफ यूएसए एस एजमनी ठीक है अब ये देखो क्यों आया था अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को देखेंगे तो अफ़गानिस्तान ईरान इन सब कंट्रीज़ में हमें एक उथल पुथल इसलिए देखने को मिली थी क्योंकि यू कहीं ना कहीं राइज ऑफ़ यू को भी नीचे लाना चाहता था तो अगर आपको यू रशिया का अगर जो ऊपर बढ़ रहा है ठीक है उनका वर्चिस्ट वो ऊपर बढ़ रहा है उसको नीचे लाना था तो यू ने क्या किया मिडल ईस्ट के अंदर उथल पुथल मचाने की कोशिश करी एंड देखो इसी का बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म मिडल ईस्ट में बढ़ता हुआ नज़र आया ठीक है यूएसए ज़्यादा तो रोक सकता था बट नहीं क्योंकि उन्हें काउंटर करना था यूएसएसआर को उनकी अपब्रिंगिंग को कि वो बढ़ रहा है इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है इसलिए क्या किया मिडिल ईस्ट के अंदर उनके लिए दुश्मन खड़े कर दिए तो यही तो होता है देखो आप अगर इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हो या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो और हर दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप एक चीज़ एनालाइज करोगे कि आप रिलेशंस को समझ पाओगे आप समझ पाओगे किस बेसिस पर क्या चीज़ चल रही है बिकॉज इट्स ऑल द गेम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर एक जगह अगर पावर बढ़ती है तो उसको नीचे गिराने के लिए साम दाम दंडभेद सारी चीज़ों को अपनाना पड़ता है ठीक है तो यहाँ पर ये क्या है ये कहीं ना कहीं फ़्रांसिस फोकू यामा ने क्या कहा इन्होंने बुश एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज़ किया कि अफगानिस्तान ईरान इन सब में कंट्रीज़ में अगर उथल पुथल मचाया है जॉर्ज बुश ने उसकी वजह से क्या हुआ यूएसए की जो हैजमनी थी वो कम आ गई एंड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है ठीक है जो लिबरल जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी आफत खड़ी हो गई और देखो ये यूएसए को बहुत बड़ा एक यूनिवर्सल स्टेट मानते थे मोर देन ई यू से भी ज़्यादा ये रिकॉग्नाइज करते थे इसको एज अ यूनिवर्सल स्टेट अब देखो हम सैमुअल पी हंगटिडन के बारे में देख लेते हैं जिन्होंने इनकी जो थिंकिंग है थॉट्स है उसको क्रिटिसाइज़ किया ये क्या कहते हैं इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया फोकू को एंड प्रपोज किया थ्योरी ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ये क्या कहते हैं देखो ये कहते हैं कि हिस्ट्री कभी एंड नहीं होती फ्रांसिस फोकू ने कहा एंड ऑफ हिस्ट्री एंड ऑफ हिस्ट्री कब हुई कोल्ड वॉर के टाइम पे हो गई जब लिबरल कंट्रीज़ हमें उभरती हुई नज़र आई ये कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है एंड ऑफ हिस्ट्री कभी देखने को मिलेगा जब तक इंसान चल रहा है हिस्ट्री एंड हो ही नहीं सकती इंसान चल रहा है एक दूसरे के साथ मिंगल कर रहा है ग्लोबलाइज वर्ल्ड आ रहा है तो क्लैश हो सकते हैं बट कभी भी हिस्ट्री एंड नहीं होगी ठीक है एंड क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज़ की एक आइडियोलॉजी दूसरी आइडियोलॉजी से क्लैश कर रही है जैसे क्या देखने को मिला कैपिटलिज्म से सोशलिज्म क्लैश किया ठीक है फिर उसके बाद कम्युनिज़्म आया ठीक है कम्युनिज्म से हमें लिबरलिज्म थोड़ा सा क्लैश करते हुआ सोशलिज्म एंड लिबरलिज्म में हमें क्लैश देखने को मिला ये सब आइडियोलॉजीज़ में क्रैश क्या चीज़ का राइज करता है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन देखने को मिलता है कि एक सिविलाइजेशन दूसरे सिविलाइजेशन के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है अब देखो इनका ये मानना था कि एट प्रोमिनट सिविलाइजेशन है जो कि हम ओवरऑल वर्ल्ड में देख सकते हैं ये सब क्या है देखो इनमें सबसे पहले आता है सिनिक ऑफ चाइना ठीक है सिनेक का क्या मतलब होता है सिनेक का मतलब होता है कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस ठीक है तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो है वो अपने मोटिव्स के बेसिस पर चलती है अपने प्रॉफिट के बेसिस पर चलती है जब तक चाइनीज़ लोगों को लगेगा हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो उस चीज़ के लिए अपने आप को इंक्लाइंड रखेंगे जैसे ही उनको लगेगा कि प्रॉफिट ख़त्म वो दूसरे की तरफ शिफ्ट करेंगे ये तो आप अभी भी देख सकते हो इसीलिए तो चाइना इतना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हमें ठीक है एंड ऑल्सो कम्युनिस्ट कंट्री है तो थोड़ा सा डिफरेंट उनके पास इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ठीक है वो अपने बेसिस पर चलते हैं अपनी थिंकिंग बहुत जल्दी ले पाते हैं अपनी अपने थाट्स को अपने डिसीजनस को जल्दी इन एक्शन लेकर आ पाते हैं अब दूसरा देखो जैपनीज सिविलाइजेशन फिर हिंदू सिविलाइजेशन जो कि हमें एशिया में इंडिया में देखने को मिलता है फिर रशियन ऑर्थोडॉक्स फिर वेस्टर्न लिबरल इस्लामिक इन्होंने सिविलाइजेशन के बारे में भी बताया फिर अफ्रीकन सिविलाइजेशन फिर लैटिन अमेरिका इस्लामिक मतलब मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में आप देख लो यहाँ पर क्या है इस्लामिक सिविलाइजेशन देखने को मिलता है अब इन्होंने मेजरली बताया कि पूरे वर्ल्ड को आठ प्रोमिनट सिविलाइजेशन में हम अलग अलग तरीके से बता सकते हैं अब देखो इन सब में क्या हुआ इनका ये मानना है सैमुअल पी हंगटिटन का कि क्योंकि देखो डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशन है इनकी डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी है डिफरेंट प्रायोरिटी है डिफरेंट थिंकिंग है तो इन सब में लड़ाई हो सकती है बट मेजर कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले होगा सिविक ऑफ चाइना एंड वेस्टर्न लिबरल वेस्टर्न लिबरल का क्या मतलब है देखो इसका एग्जाम्पल समझो एग्जाम्पल है चाइना एंड यू ठीक है यू हो गई वेस्टर्न लिबरल कंट्री चाइना तो चाइना है ठीक है तो हमें ये तो अभी भी देखने को मिल रहा है फिर उसके बाद सेकेंड हमें क्या देखने को मिलेगा वेस्टर्न एंड इस्लामिक में हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा ठीक है अब देखो इसमें क्या है देखो ये कहते हैं कि सिनिक ऑफ चाइना एंड वेस्टर्न लिबरल में जो लड़ाई होगी वो कोर कोर कन, कन्फ्लिक्ट होगा क्योंकि मेजर सिविलाइजेशन में हो रहा है ठीक है एंड किसी मेजोरिटी के बेसिस पर होगा ऐसा नहीं कि बस हुआ और ख़त्म हो गया ये हमें एक्सटेंडेड फॉर्म में देखने को मिल रहा है चाइना एंड यू का आप अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देख लो जो टैरिफ गेम चलता रहता है इन लोगों का ठीक है या बात विवाद चलता रहता है ये इसी का ही तो एक एक रिफ्लेक्शन है कि इनके बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट रहता है और अगर ये कभी भी आपको एक साथ आते हुए नजर आएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर ही आते हैं ठीक है अब दूसरी जगह क्या है दूसरा है वेस्टर्न एंड इस्लामिक इस्लामिक में अब ये जो लड़ाई होगी ना ये आपको फ्रंट लाइन देखने को मिलेगी यानी पेरीफेरल कि बस चल रही है इसमें इंटरनल एक्टर्स भी हो सकते हैं इस्लामिक uh, की अगर हम बात करते हैं ठीक है अब देखो जैसे टेररिज्म हो गया ठीक है इस्लामिक टेररिज्म एज अ कंसेप्ट अगर हम उसको अलग से समझें तो इसमें भी हमें ये चीज़ का देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उनकी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती है तो ये सब इन्होंने बताया सैमल पी हमटेंटन ने इनकी सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग थी एंड देखो इन्होंने मेजरली जैसे सिविलाइजेशन को अलग अलग बताया है ना यही हमें देखने को मिलती है मेजरली यही है वर्ल्ड के अंदर चलिए आज आई थिंक हमने सारा ही कवर कर लिया है कोई ऐसा बचा नहीं है और देखो एक और चीज है वेस्टर्न एंड इस्लामिक की जब हम बात करते हैं माना कि ये एक पेरीफेरल कॉन्फ्लिक्ट है कि बहुत ज्यादा उभरकर नहीं आएगी क्योंकि हमें क्या देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ये एक साइड लाइन रहती है ठीक है अब यहाँ पर देखो इसके इन्होंने रीज़न बताया कि इसके क्या क्या रीज़न है सबसे पहला रीज़न है कि हमें मिशनरी रिलीजन देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ये रिलीजन यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा फिर उसके बाद टीलियोलॉजिकल दोनों का कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है फिर कहीं ना कहीं बोथ आर अगेंस्ट द नॉन बिलीवर्स कि इस चीज़ में अगर बिलीव रख रहे हो तो ठीक है अगर इस चीज़ में बिलीव नहीं रख रहे तो इनके अगेंस्ट हो जाओ ठीक है तो ये थिंकिंग की वजह से लड़ाई जो होती है वो हमें बढ़ती हुई नज़र आती है ऑल्सो बोथ आर यूनिवर्सलिस्टिक यानी दोनों का ही हमें जो जो लोग इसको मान रहे हैं वो हमें फैले हुए नज़र आएंगे वर्ल्ड में आपको वर्ल्ड वाइड थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा ग्रुप ठीक है है ही है मेजर कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगा तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है अब देखो ये सब कॉन्फ्लिक्ट आप इस्लामिक एज वेल एज क्रिश्चियन में भी देख सकते हैं ठीक है इन दोनों में भी डिफरेंस आता है मेजरली इसी में आप वेस्टर्न कंसेप्ट में ये नहीं देख सकते आप इस्लामिक एंड क्रिश्चियन कन्सेप्ट में समझो कि दे बोथ आर यूनिवर्सलिस्टिक दोनों ही रिलीजन बहुत ज़्यादा माने हुए हैं बहुत सारे लोग इसको मानते तो इसलिए इन दोनों के बीच में हमें लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं चलिए आज हमने लगभग सारा कंप्लीट कर लिया है लिबरलिज्म में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हमें मल्टी कल्चरलिज़म का देखने को मिलता है या फिर प्लूरल कल्चरलिज्म का देखने को मिलता है इसलिए आज हमने इसको डिस्कशन में लिया आज हमें सोशलिज्म स्टार्ट करना था बट मुझे ऐसा लगा कि एक वीडियो की ज़रूरत है जिसमें हम इसको एज अ डिफरेंट कंसेप्ट लें क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है मल्टी कल्चरलिज़म पर आपसे मेज़ में भी क्वेश्चन आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि आप किन किन चीज़ों को कोट कर सकते हो ऑल्सो वर्ल्ड डायनेमिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड चाइनीज़ में लड़ाई क्यों होती है या फिर हमें रिलीजियस बेसिस पर इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी में लड़ाई क्यों देखने को मिलती है ठीक है ये सब चीज़ों को हमने आज कवर कर लिया है आप लोगों कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी टाइम है चलिए आई थिंक कोई डाउट नहीं है सबको सब क्लियर है तो आज हमने लिबरलिज्म का जो व्यू है जो आइडियोलॉजी है वो पूरी कवर कर लिया है कल से हम पक्का पक्का सोशलिज्म को स्टार्ट कर देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है तो सब जरूर आना आठ बजे रात को आपको आना है ठीक है इसी समय आपकी क्लास होगी तो आना एंड ऑल्सो नोट्स प्रिपेयर करो आई सजेस्ट कि इन वीडियो लेक्चर का आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट तभी मिल पाएगा जब आपके पास आपकी खुद के नोट्स हो अगर आपने पहले से इसको कहीं और से कवर किया हुआ है तो वो भी कोशिश करो कि वो नोट्स आपके पास पहले से ही रेडी रहे अगर कोई चीज़ ऐड ऑन कर ली है तो उसमें ऐड कर लेना ठीक है तो इट विल बी बेटर फॉर यू आपके नोट्स और भी ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे कोई चीज़ अगर लिखी हुई है आपने पर आपको वो समझ नहीं आई है तो समझ भी आ जाएगी दो नई बातें होंगी मेजर बात यह है कि आपको फ़ायदा मिलना चाहिए इन वीडियो लेक्चर्स का ये नहीं कि सिर्फ आप इनको सुन रहे हो क्योंकि ऑप्शनल ऐसा प्रिपेयर नहीं होता खाली पढ़ने से ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं होता लिखने से होता है यू हैव टू राइट इन द एग्ज़ामिनेशन सेंटर जब मेंस का आ जाएगा ठीक है चलिए दिस was ऑल फॉर दिस वीडियो आई रियली होप यू enjoyed इट ऐसे ही आप हमारे साथ इन लेक्चर सीरीज़ को कवर करते रहिए एंड डू नॉट forget टू हिट द लाइक बटन एंड also देखो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका भी पी एस आई आर ऑप्शनल है उनके साथ इसको शेयर करो अगर कोई ग्रुप है आपको पता है कि वहाँ तक ये वीडियो लेक्चर जा सकती हैं एंड और भी बच्चों तक ये पहुँच सकती है तो वहाँ पर शेयर करो इससे बड़ी हेल्प कोई हो नहीं सकती ठीक है चलिए दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो मिलते हैं कल बाय बाय